बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट लिया था असिस्टेंट 16वां ग्रेड है, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड पंजाब 2020 में पेपर हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि जी, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, इन टू ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, व्हाट इज़ द परसेंट एज ऑफ हिज सन, इस वक्त उसके बेटे की उम्र क्या होगी। हमने ये मालूम करना है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे तमाम डिपार्टमेंट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रख दी है एंड पूरे साल के भी पेपर्स मौजूद हैं, 20, 21, 22 एंड 23। पूरे साल में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं सारे के सारे पेपर्स वहाँ मौजूद हैं, आप वॉच कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी, हम लिखेंगे जी, लेट इस वक्त जो सन की उम्र है वो एक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेंगे फादर एंड सन। वो कहता है जी, अगर बेटे की उम्र इस वक्त एक्स है तो वो कहता है जो बाप की उम्र है वो अपने बेटे से 24 साल ज़्यादा है इस वक्त, तो एक्स प्लस 24 कर देंगे। उसके बाद वो कहता है 2 साल बाद जो बाप है वो बेटे से 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा यानी कि उससे। तो 2 साल बाद जब हम लिखेंगे इसको तो x प्लस 24 प्लस 2 ईयर्स इसमें ऐड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है बेटा भी 2 साल बड़ा हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। हमने करना है इनको बराबर, इक्वेशन को, फादर इक्वल है सन। ये उस वक्त, इस वक्त ये नहीं हो सकती, क्योंकि बाप जो है जब 2 साल गुजरते हैं, 2 साल बाद बाप जो है वो बेटे से ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो हम अगर इसको बराबर करना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 24 प्लस 2, जो सन है वो ऐसे ही है, बाप ट्वाइस है तो सन को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी अब इक्वेशन बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 26 ये जमा हो जाएगा एंड 2x प्लस 4, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये x एंड ये x एक साइड पे कर लेंगे और 26 और 4 एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे जी, ये 26 और ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 4 और ये 2x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 26 में से 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा जी 22 और यहाँ पे 2x में से 1x जाए तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 22, यानी कि इस वक्त जो बेटा है वो x 22 है, 22 साल का है। ऑप्शन कौन सा दुरुस्त है? ऑप्शन बी। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब करे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।